The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अगर मान लो ये क्लॉक लेती हूँ मैं, तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड हम ये लेके चलेंगे कि ये अज्यूम करके चलते हैं कि इसको टच कर रही है सर्कमफेरेंस पे. इसकी जो हमें लेंथ गिवन है दैट इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है, हाउ मच एरिया, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ये 1 आवर के अंदर यानी कि 60 मिनट्स में कितना एरिया ये स्वीप करते हैं. ठीक है, कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का. यानी कि इन 60 मिनट्स पहले लिख लो, हाँ जी 60 मिनट्स में 360 डिग्री का बन रहा है. 1 मिनट में कितने का बनेगा, 360 बाय 60 यानी कि 6 डिग्री का, तो 5 मिनट्स में 30 का बनेगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पे थीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. गॉट इट. तो पहले लिख लो कि इसकी जो लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, हाँ जी, इज 14 सेंटीमीटर. सो दिस इंप्लाइज आर इज 14 सेंटीमीटर. नाउ एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड इन 60 मिनट्स, ये ऐसे लिखो इसको, इन 60 मिनट्स एंगल फॉर्म्ड बाय minute hand is 360 degree. So in 1 minute, unitary method हम यहाँ पे use कर रहे हैं, that is 360 upon 60. So in 5 minutes, the angle formed will be 360 into 60, 360 upon 60 into 5. Clear? यानी कि थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री. अब हमें क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट हम निकाल रहे थे. तो एरिया इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एरिया सेक्टर बन जाएगा ये 5 मिनट्स में. ये हमने 30 डिग्री निकाल लिया, तो वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर. क्या फॉर्मूला होता है, put the values and get your answer. Theta 30 degree है, R 14 है, pi value given नहीं है bracket में कहीं साथ में question के, तो you will take as 22 upon 7. Simplify this and you will get your answer. हम्म, 154 बाय 3 एंड द यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स विल बी 154 बाय 3. मेन काम जो आपको इसमें ये करना है, जो आपने यहाँ पे थीटा निकालना है, अदरवाइज सिंपल आपका यहाँ पे वैल्यू पुट करना है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 यू आर गिवन अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. कॉर्ड गिवन है जो आपको, वो बता रहा है कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है. एंड फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर. माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है. ये हो गया था. We are given that chord जो है that makes an angle of 90 degree at the center. क्या क्या given है हमें यहाँ पे,
chord of the circle of radius 10 centimeter. ठीक है, और क्या गिवन है, और कुछ है गिवन? चलिए अब क्या निकालना है हमें, कॉर्ड की लेंथ तो नहीं गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी कि ये निकालना है, एंड एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, यानी कि ये निकालना है. गॉट इट? हाँ जी, क्या ट्राइंगल किसमें मेजर, क्या सेक्टर है बच्चे, सेगमेंट नहीं है. हाँ जी, ठीक है, तो सेक्टर आपका जो माइनर वाला था वो ये वाला बन रहा है, इसके साथ ये मुझे मेजर सेगमेंट सेक्टर लेना है, यानी कि ये निकाल. क्या करेंगे, कैसे? मुझे ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, आर गिवन है. हाँ जी, सेगमेंट को क्यों माइनस करेंगे, सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा बच्चे. एक देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको उन्होंने माइनर सेगमेंट पूछा है, ठीक है ना, माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला, और सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नॉट मेजर सेगमेंट. ठीक है, गॉट इट? यानी कि हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को अगर एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दूं, देन आई विल गेट द एरिया ऑफ, अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग. मुझे कंप्लीट एंगल पता है, सेंटर पे बन रहा है, ये 90 गिवन है, तो बाकी एंगल आपका जो है 270 का होगा, तो यू कैन टेक थीटा 270 फॉर दैट, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन डू इन दैट वे. पहले मुझे माइनर सेगमेंट का बताओ कैसे निकालोगे, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया हुआ है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. चलिए पुट द वैल्यूज, पहले लिख लो क्या क्या गिवन है आपको. आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो, अदरवाइज आप बुक्स में देखते हो तो वहां पे बहुत अलग तरह का सॉल्यूशन होता है, वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो यू गो फॉर दिस डायरेक्टली. सो दिस इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. सो पाई 22/7 आर, हाँ जी, थीटा है 90 अपॉन 360 माइनस, क्या कह रहे हो, गिवन है बीच में. ओके बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में यू आर गिवन यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो 22 अपॉन 7 से आपका आंसर में डिफरेंस आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, तो यू आर टू टेक इट 3.14 ओनली. अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में साथ में गिवन है यूज पाई इक्वल टू 3.14 और आप 22 अपॉन 7 यूज करोगे, तो आपका जो स्टेटमेंट है, जो सॉल्यूशन है, दैट विल बी क्रॉस बाय द एग्जामिनर. जो वैल्यू गिवन है अगर, तो गिवन ही आपको यूज करनी है. माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि 90. हाँ जी, 1 हो जाएगा. क्या आएगा अब यहाँ से, वैल्यूज बताइए, सिंप्लीफाई करके क्या आएंगी. कैलकुलेशन चेक कर लो, तो दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, चेक द कैलकुलेशन. क्लियर? अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सीधा ही लगा रही हूं मैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर. सो दिस इज पाई
3.5 कॉमन ले लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 - 90/360 दैट इज 1/4, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 3/4। अब वैल्यूज पुट कर लो, यहां मैंने कुछ मिस्टेक की है, चेक करो क्या है। 3.50 × 3 2.235 आएगा, यही आएगा 235.50। एंड द यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन। Done. Now moving on to the next question, number 5. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। चलिए अगले पे, नोट डाउन हो गया सबका ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर An arc subtends an angle of 60 degree at the center. Center पे एक arc जो है वो 60 degree का angle बना रही है. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. Again, direct formula use होने हैं यहाँ पे आपके. अब ये मैंने मान ली arc है. This is subtending an angle of 60 degree at the center. Radius given है हमें 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो ये लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, सेकेंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालना है, थर्ड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दिस कॉर्ड। कॉर्ड कौन सी, जो लेंथ से बनेगी, आर्क से बनेगी। फॉर द 3 पॉइंट्स चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला, हमें एक तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे, सेकंड एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर निकालना है, थर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। गॉट इट, लेंथ ऑफ द आर्क, सेकंड क्या है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसी आर्क से जो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब दिस यू आर टू कैलकुलेट। चलिए करिए, आर कितना गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। क्या करोगे, हाँ जी, लेंथ ऑफ आर होगी, आर कितने है 21 सेंटीमीटर, थीटा इज 60 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क इज 2 π r θ / 180 या π r θ / 160 और π r θ / 180, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप। एल से डिनोट करोगे लेंथ ऑफ द आर्क, पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन है, 22/ हाँ वो भी ले लो, पाई आर थीटा अपॉन 180 इज आल्सो करेक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। वैल्यूज पुट कर दो, कैंसिलेशन कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। नाउ वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर या एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क।
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 22 बाय 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 अपॉन 360 अगेन डू द कैंसिलेशन This is 231 centimeter square. Now we have to find the area of the segment. Pi r square theta. This is pi r square theta upon 360 minus half r square sine theta. Put the values and get your answer. ये हमारे पास 231 आ गया, डायरेक्ट लिख दो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 231, ठीक है, माइनस हाफ इनटू आर स्क्वायर इज 21 इनटू 21 441 हो गया इनटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू डाल दो रूट 3/2 सो कॉरेस्पॉन्डिंगली यू विल गेट योर आंसर. हाँ जी हाँ जी, सो दिस इज योर आंसर. अगर जो है पेपर में इसकी रूट थ्री की वैल्यू ब्रैकेट में साथ में गिवन होगी, यूज रूट थ्री इक्वल टू 1.732 या 1.7 या 1.73. Then you will put the value and get your answer. Otherwise, you can leave your answer up to this point. Anji? Haan, options ke accordingly you can see. Now the next question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments. Ab yahan dekho, pi 3.14 given hai, root 3 aapko 1.73 given hai. So this is your homework part. This you will do yourself. मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम लगाओगे आप, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे. आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, फिर मेजर सेगमेंट निकालने के लिए यू विल सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम द एरिया ऑफ द सर्कल. गॉट इट? कर लोगे? सिक्स पार्ट इज योर होमवर्क. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, दिस वन इज द डिलीटेड पार्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे सेंटर पे एंगल 120 डिग्री गिवन है. ठीक है, 120 डिग्री वाले एंगल्स आपके डिलीटेड हैं. आपके जो क्वेश्चंस आने हैं दैट आर बेस्ड ऑन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 45 का भी आ सकता है, तो वो आप कर लोगे. ठीक है, अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिलीटेड वन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर हैविंग, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग ऑफ एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. अब पहले ये ध्यान से इतना समझ, हमें गिवन है एक स्क्वायर फील्ड जिसमें एक हॉर्स को एक पेग से बांधा गया. पेग होता है जो खूंटा होता है, जो मोटी वाली कील होती है जिससे उसको बांध देते हैं. और जो आपको गिवन है यहाँ पे दैट इज 15 मीटर इज द साइड ऑफ द ग्रास फील्ड और 5 मीटर लॉन्ग रोप से उसको बांधा गया. तो ये स्क्वायर फील्ड हो गया जिसकी साइड हमें 15 मीटर गिवन है. यहाँ कॉर्नर पे एक पेग है, इससे 5 मीटर जो है लेंथ ऑफ रोप से किसको बांधा गया है? हॉर्स को. अब हॉर्स देखो कैसे मूव करेगा, वो पूरी जो है अगर अपनी जो उसके गले में रस्सी बंधी हुई है उसको स्ट्रेच कर लेता है तो वो यहाँ से इधर मूव करेगा. एक फिक्स्ड पॉइंट से जहाँ से वो बंधा हुआ है स्ट्रेच करके मूव कर रहा है तो उसका जो ये वाला पाथ बनेगा, ठीक है, या ये वाला अगर मैं एरिया की बात करूँ तो दिस विल बी अ क्वाड्रेंट फॉर्म. कैसे है ये मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया. अब ये मैं मैक्सिमम जितना इसको स्ट्रेच कर सकती हूँ मैंने कर दिया, तो
तो ही कैन मूव इन दिस पोजिशन. गॉट इट. अब स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, यानी कि इतने एरिया में वो फील्ड से बाहर नहीं जाएगा. यहाँ पे हम ये इमेजिन करके चलते हैं, या तो यहाँ पे फेंसिंग हुई हुई है या दीवार बनी हुई है, यानी कि ही कैन मूव, इट कैन मूव इन दिस मच एरिया. गॉट इट. कि इस यहाँ पे वो अगर मतलब अपनी जो रोप है उसको स्ट्रेच नहीं करता तो यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है. मैक्सिमम जो वो जा सकता है वो इस रेंज तक जा सकता है, इसके बाहर इधर नहीं जा सकता, बंधा हुआ है क्योंकि वो. तो ये आपका जो है बन जाएगा, आपको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो हॉर्स कैन ग्रेज इन टू दिस पार्ट. गॉट द कंसेप्ट, क्लियर है. उसके बाद सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. कि अगर अब हम रोप को 5 की बजाय 10 मीटर कर देते हैं तो ये एरिया बन जाएगा उसको. हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन द एरिया, यानी कि एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट. क्लियर. चलिए राइट डाउन गिवन क्या क्या है हमें. द पहले ही आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे कि हॉर्स कैन मूव ओनली इन द सर्कुलर पाथ. हॉर्स कैन मूव इन द सर्कुलर पाथ. ये क्लियर है क्यों सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. साइड ऑफ स्क्वायर मुझे गिवन है 15 मीटर, उसका वैसे कोई रोल नहीं है ऐसा अभी यहाँ पे. तो लेंथ ऑफ रोप विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पावर्ड बाय हॉर्स. ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि बाद में आप कभी देखो तो आपको ये क्लियर हो जाए कि ये चीज हमने क्यों ली है. तो रेडियस जो है वो हमने ले लिया 5 मीटर. अब देखो ये फील्ड जो है मुझे स्क्वायर शेप में गिवन है क्योंकि, तो इट मींस एंगल कितना बनेगा सेंटर से 90 डिग्री. स्क्वायर जो है उसकी साइड का एंगल 90 डिग्री होता है, तो थीटा जो है दैट इज गिवन टू बी 90 डिग्री. क्या क्या निकालना है, पहला क्या निकालना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो हॉर्स कैन ग्रेज इन द एरिया, या एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेंट है. तो चाहे आप सीधा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 वाला फॉर्मूला लगा लो, अदरवाइज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन है, पाई इक्वल टू 3.14 गिवन है. कितना आएगा ये बताओ. चेक कर लो एक बार. ये वाली कैलकुलेशन अभी हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में की थी. नहीं, वो पूरे क्वेश्चन में हम यूज करते हैं, लास्ट में गिवन होता है. अब सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है हमें, if the the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long, if radius is changed to 10 meter mein hai ye units aapki 10 meter, then r is 10, so area grazed
विल बी इक्वल टू, अगेन अब मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाय फोर ले रही हूँ, तो आपको क्लियर रहेगा कि दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेंट फॉर्म. तो एरिया ग्रेस क्वाड्रेंट फॉर्म है तो क्या आएगा, 3.14 बाय 4 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 78.50. सेम वही कैलकुलेशंस आ गई ना जो पिछले से पिछले क्वेश्चन में की थी. सो दिस इज 78.50. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया. तो यहाँ पे हाँ जी दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया माइनस 19.625 आंसर में मीटर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर थीटा इज 90, 360 इज 360. ठीक है बच्चे, क्वाड्रेंट का आप डायरेक्ट एरिया लगा सकते हो पाई आर स्क्वायर बाय फोर, बिकॉज क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो एरिया ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय 4. सो ये आपका 58.875 आ जाएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर. नाउ मूविंग ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन. इसमें इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. मेन जो यहाँ पे आपका कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज दिस थिंग, कि ये कौन सी शेप आपकी बन रही है, ये क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है, ये आपको बताऊंगा. Then the next question, this is again an important question. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. एक ब्रोच बनाया जाता है जिसका जो डायमीटर हमें गिवन है 35 millimeter है, जिसमें जो सिल्वर वायर है वो सर्कल की फॉर्म में लगी हुई है. The wire is also used in making five diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Now you can see the equal sectors in the book. अब एक सेक्टर का एंगल एट द सेंटर क्या बनेगा, टोटल 10 डायमीटर्स हैं, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वो 10 पार्ट्स में 36 डिग्री आ जाएगा, यानी कि थीटा आपका 36 आ गया. उसके बाद रेडियस हमें 35 गिवन है. निकालना क्या क्या है, पहला टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. तो लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, देखो लेंथ सिल्वर वायर से क्या क्या बना है, एक तो ये सर्कल बना हुआ है और बीच में कितने डायमीटर्स हैं, 5 डायमीटर. तो ये 1, ये भी सिल्वर पार्ट से बना है, ये भी सिल्वर से बना है, सेंटर में से पास करवाना है इनको, सेंटर पे ये इंटरसेक्ट करेंगे. हाँ जी 10 बनेंगे टोटल इसके पार्ट. तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है, तो 1 एंगल कितने का बनेगा आपका 36, 360 बाय 10, 10 पार्ट्स में हम क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज 360 बाय 10. अब जो सिल्वर वायर इसमें यूज हो रही है इसको बनाने के लिए, उससे एक तो ये सर्कमफ्रेंस बनी है और ये 5 आपके डायमीटर्स बने. मैंने कितने बना दिए डायमीटर्स, 5 बनाए, ठीक है. तो 5 डायमीटर्स यानी कि जो लेंथ ऑफ द वायर यूज है दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस length of 5 diameters. First part ho jayega. Now the second part. Area of each sector of the brooch. Area of each sector. So ab aapko angle pata hai ye 36 degree ka bana raha hai. So aapne accordingly area of sector nikal lena. Ho jayega ye question. This is again your homework part. Question number 9. First part mein you are to find the total length of the silver wire required. So total length of the silver wire se ek to ye circle ban raha hai aur ye 5 diameters ban rahe hain, to in dono ko aap kya karoge, plus kar doge. Now the 10th question.
So 10th question we will do tomorrow as 1 minute is left. If anyone is having any doubt in any of the parts, you can ask. Homework parts are question number. कल कौन कौन से दिए थे मैंने? Okay. You have to do question number 4, then question number 6, and question number 9. Question number 4, 6, and 9. These are your homework parts. कल दिया था वो, है ना? कल का था वो homework आपका. Otherwise इस exercise में से 2, 4, 6, and 9. Second question मैंने कल homework में दिया था, तो that's why I'm not just repeating this. So with this I'm ending my lecture today. If any doubt is there to any of you, you can unmute yourself. I'm giving you the option, and you can ask your doubt. If any one of you is having any doubt, you can unmute and ask your